मेरे वहाँ पे छोटे छोटे डॉगीज के बच्चे थे यार, वो बस उन्हें कुछ ना हुआ हो। 2013 में ना ये आपदा पूरा नुकसान करके गई थी यहाँ पे देखो, और आज सेम वही डे रिपीट हो रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं अपने भाई का ना पोस्टर देख रहा था, आप देख रहे हैं, और आपको पता है किसी ने ना इसके बीच में पत्थर मारा है। मॉर्निंग आर्टियंस, आज की मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आपको पता है यहाँ पूरी बार टाइप आ गई है, मतलब ऐसा पहले भी हुआ था 2013 में, लेकिन आज दोबारा से सेम चीज़ हुई है। और मेरे वहाँ पे छोटे छोटे डॉगीज के बच्चे थे यार, वो बस उन्हें कुछ ना हुआ हो बस, तो मैं उनके लिए दूध लेके जा रहा हूँ क्योंकि हे भगवान। और ये जब ये ना अचानक हुआ है बता आर्टियंस, बस मैं उनके पास ही जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे आई होप आपके दिन अच्छे जा रहे हों। मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, देखो ना सब लोग ऐसे ही देखने टाइप जा रहे हैं, मुझको तो डर भी लग रहा है बेचारे। कोई नहीं है यार उन बच्चों का। अब मैं उधर कैसे जाऊंगा, मुझे वो चीज़ देखनी है, डॉगीज के बच्चों को चोट ना लग गई हो। मैं आता हूँ, सब मजाक में लेते हैं, लेकिन कोई जानवरों के बारे में नहीं सोचता है यार। ये देखो ना आर्टियंस, ये क्या हो गया है, ये सब एक रात का कमाल है। आपको ना कल तक सब यहाँ पे घूमने आ रहे थे, अपने ब्लॉग्स में देख रहे थे ना, और अभी जस्ट ये क्या हो गया यार। देख ये यहाँ तक आ गया था पानी, मॉर्निंग यहाँ तक, ये पूरा मंदिर। बच्चों को देखता हूँ, डॉगीज के बच्चे, बस वो सही सलामत हो। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए यार, मतलब यार डॉगीज के बच्चे कहाँ हैं, समझे वो यार आर्टेंस। ये लोग इतने अच्छे ना यहाँ पे जो रहते हैं, इन्होंने संभाल रखे हैं सारे डॉगीज के बच्चे। अभी जाता हूँ मुन्नू। प्रणाम आंटी जी, आपने संभाला था इनको? क्या करे बेटे, आंटी मेरे को सुबह इतना बुरा लग गया था, मैंने कहा ये सब गए आज तो। यहाँ तक आ गया था। अच्छा अच्छा, रोटी में डाल के दूंगी। ठीक है, ये आप अपने पे रख लो फिर, आंटी का रोटी ये है। पुन्नू, अरे इतने छोटे बच्चे हैं पुन्नू। इतनी सी थी ना पुन्नू, अब तो काफी बड़ी हो गई लगता है। ओए ये कितने छोटी है नंदी। आर्टियन साहब देख सकते हैं पूरा यहाँ तक पानी आ गया था यार। ये लकड़ियाँ तो दादी की काम आ जाएंगी। आर्टियन हमारे यहाँ पे एक दादी रहती है ना, चलो एक चीज अच्छी है, उनके लिए लकड़ियाँ काम आ जाएंगी बड़ी। यार पानी बहुत ज्यादा बढ़ रखा है यार, पानी के पास जाना बेकार है इस टाइम पे, इसके पास जाना बेकार है, अगर गिर विर गया तो दिक्कत हो जाएगी। अपनी दादी के पास जाता हूँ मिलने थोड़ा, रेराम बेचारी ऑलमोस्ट थोड़ी बीमारी है होगी। देखो ना इतनी सारी लकड़ियाँ, बाप रे यार इतनी भयंकर बाढ़ आई एकदम से, पता ही नहीं चला। जो 13 में जो आपदा आई थी ना, पूरा जो पेड़ है ना उसके नीचे तक पानी आ गया था, आपको पता है। लेकिन फिर भी दादी लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, मतलब भगवान जी पे, उन्होंने यहाँ पे किसी ने रूम वूम नहीं छोड़ा और वो यहीं रहे। और पता है वो पानी ना उनके घर के तक कभी नहीं आया यहाँ पे, मतलब 2013 में इतनी खतरनाक आपदा आई थी यहाँ तक पानी आया था, लेकिन भगवान पे इतनी आस्था है कुछ भी नहीं कर पाया पानी उनका। दादी कैसी है तू? ये हाय बोलो। ये गेट पर आ गया था, तेरे को डर भी लगी? नहीं ना, क्योंकि तू भगवान को बहुत मानती है ना, मेरी दादी ना भगवान जी को ही याद करते रहते हैं। खा खा, क्या खा रही, रस बिस्किट? आकर आ, आकर आ, आ, तेरे तो दांत ही नहीं है। इगर ही? हाँ, कहाँ है? ये दादी के दांत नहीं है। मैं मस्ती कर रहा हूँ दादी, सारा फन। बहुत पानी आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, तू डर मत। भगवान है तेरे साथ, क्यों? डरने की बात ही नहीं है। दही पहले? ना ना दादी, तू पी।
मैं दादी से तू से बात कर रहा हूँ क्योंकि हम प्यार से तू से बात करते हैं। मैंने कुछ नहीं खाया, जैसे ही उठा ना सबसे पहले दिमाग में ये आया कुत्ते के बच्चे थे छोटे छोटे कि उनका क्या हो रहा होगा, तब आया भाग भाग के। मेरा भी सर दर्द हो रहा था कल रात से ना, पता नहीं क्या हुआ। ये YouTube जो मैं बना रहा हूँ ना ऐसे ही, इसी में मेरी जॉब है, इसी से मैं थोड़ा बहुत पैसे कमाता हूँ। कभी मेरे मेरे नंबर भी रखना है। ठीक है, माल पड़ो ना उठा चार, वो तो प्रभु ने मेरे को भर पहाड़ी कुमाऊनी कुमाऊनी सॉन्ग ये बोल रहे हैं मेरे को, कुमाऊनी सॉन्ग सुना दो फोन में, मैं सुनाता हूँ। रुको आर्टियंस, चलो आर्टियंस मेरे को कॉलेज में तो ध्यान रखो, मिलता हूँ। ठीक है, 2013 में ना ये आपदा पूरा नुकसान करके गई थी यहाँ पे देखो, और आज सेम वही दे रिपीट हो रहा है आर्टियंस, ये देखो ना ये। मैं इसके पास नहीं जाता हूँ, हमको डर लग रही है। कालू पहुंचा, कालू मेरा, कालू 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 उछलना मत, उछलना मत कालू, उछलना मत, मेरा डॉगी है वो कालू, उछल मत कालू, उछल अंकल वो मेरा दोस्त है। आर्टियंस ये देख रहे हो कालू ने क्या किया मेरी शर्ट का हाल, वही कालू वही रहना प्लीज। ये सब यहाँ पे लकड़ी उठाने आते हैं, आप देखो ये मस्त कालू प्लीज मत कर। मम्मी आ गया मैं घर। सो आर्टियंस पता नहीं आज ना मेरा मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब ये सब चीज़ें देख के ना मतलब अजीब हो गया है बहुत ज़्यादा। कुछ भी है, हाँ पीता हूँ चाय भी यार मम्मी। अरे रामो छोटे छोटे बच्चे हैं ना मम्मी डॉगीज के हैं, अब मेरा आंटी ने रख लिया था, बट एक दिन भगवान जी जिस दिन मेरा अपना मकान होगा ना भैंस की, आई प्रोमिस यू आर्टियंस, मैं यहाँ स्क्रीन पे बोल रहा हूँ ना लेकिन भाई दिल भी मेरा इतना है, जिस दिन मैं बहुत खतरनाक वाला बन गया ना, क्योंकि आर्टियंस देखो तुम अगर डॉगीज को रख रहे हो ना ठीक है तुम्हारे अंदर हिम्मत है लेकिन एक अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आर्टियंस हम बचपन से ना बहुत सारे डॉगीज रखते आ रखे हैं ना, हमें बहुत गालियाँ पड़ती है इधर उधर से, आपको पता है हमें कोई नहीं बोलता, फिर मम्मी को बोलता है तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं अपनी जिद पड़े रहते हैं, हमारे बच्चे को काट दिया, जैसे हमने स्ट्रीट डॉग्स वगैरह पाले थे इन्होंने हमारे यहाँ पॉटी कर दी, सब कुछ साफ करता था आर्टियंस मैं एक टाइम पे, पता है आपको कभी 2018-19 की बात है, मेरा इंस्टाग्राम खोलना ना आर्टियंस अगर आपको बिलीव नहीं होता है चेक करना आर्टियंस, इतने इतने स्ट्रीट डॉग्स को लाइक, और पता है अच्छी बात क्या है आर्टियंस इंसान इतना वफादार नहीं है आजकल जितना मतलब स्ट्रीट डॉग्स वो वाले थे, जब मैं कहीं जाता हूँ मेरे को मिलता है ना आर्टियंस वो प्यार देखता हूँ ना यार दिल में ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ना मतलब इनसे ना बहुत अलग वाला कनेक्शन है, मतलब मेरी आर्टियंस जो मेरे से जुड़ी हुई है उनको पता है ये चीज़। और आर्टियंस जब मैं 10th में लाइक मेरी जब बैक लगी थी फेल हुआ था ना, आपको पता है मैं ज़्यादा समय अपना सिर्फ नीचे बिताता था अपने अपने पुन्नू जिन्नू उन लोगों के साथ, इसलिए मैं इनसे इनसे इतना कनेक्टेड हूँ, मैं इंसानों से भी हूँ बट इनसे बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि एक होता है ना जब मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं था आर्टियंस उस टाइम, सिर्फ मेरे घर वालों के अलावा, तो मेरे पुन्नू मेरे साथ यहाँ पे सोते थे कभी मेरी गोदी में, मतलब सब दुख भूल जाता था, मैं अपना साथ आधा से ज़्यादा टाइम ना नीचे घाट में बैठ के बिताता था कि यार मैं क्या करूँगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब सोच सोच के, लेकिन मेरे पास सब वो आते थे। लेकिन आपको तो क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो डाला है बहुत पहले YouTube में, आप कभी चेक करना, मैं डालूंगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। उनको ना किसी ने कुछ लाइक चूहे खिलाते हैं ना जहर वहर वाले, तो उनके साथ कुछ हुआ था ऐसा भी, ना दुख हुआ था ना इस चीज़ से, लोग ऐसे ही करते हैं यार, पता है पता नहीं उनको जानवरों से क्यों प्रॉब्लम है, और देखना भगवान तुझे पता है, तुम्हें पता है आर्टियंस जो ऐसे जानवरों के साथ ऐसे गलत काम करते हैं ना, मेरे पास चूहे भी थे आपको पता है चीज़, जो जानवरों के साथ इंसान गलत काम करता है ना एक दिन ना वो फल उनको नहीं मिलता, वो उनके बच्चों पे ही होता है, तो पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं और वो भी इंसान, इंसान से तो इंसान भी अच्छे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जानवर कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते यार, वो लोग क्या कर रहे हैं बेचारे, रोड में जा रहे हैं भौंक रहे हैं, रात में अगर वो भौंक रहे हैं तो लोगों को उससे प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करें वो मर जाएं क्या, वो जिंदगी उनको भी दुनिया में जीने का हक है आर्टियंस, मेरे जिन्नू पुन्नू को सब कुत्तों को हो गया सबको हो गया एनिमल सबको जीने का हक है भाई।
सोलो आर्टिस्ट, पता नहीं मैंने एक स्पीच दे दी क्योंकि उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता ना यार, मैं क्यों ना लूँ जब वो मेरे साथ थे हमेशा, तो मैं हमेशा लूँगा अपने जान मैं अपने दिल वाले से अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं लूँगा यार। आर्टियंस आप ही बताओ, और लेकिन आई प्रॉमिस आर्टियंस जिस दिन मेरा अपना मकान बनेगा ना, आई स्वेयर उस दिन देखना किसी का हिम्मत नहीं होगा मुझे कुछ बोलने का, उस दिन देखना ऐसे सारे जितने भी रोड के डॉग्स होंगे ना सब करूँगा बेटे मैं सबके लिए। चलो कोई नहीं आर्टियंस, ये बोल के नहीं देखेंगे एक दिन, ठीक है देखना आप भी। मैं आज पैदल जा रहा हूँ कॉलेज, बिल्कुल मन नहीं आर्टियंस, बस जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको वहाँ पे एक चीज़ दिखानी है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड लाइफ भी कैसी है ना भैंस की, मुझको कुछ नहीं पता भाई, सब अच्छा होगा आर्टियंस, डू व्हाट यू लव, यही बोलता हूँ और हंसता हूँ फिर रोता हूँ भी हूँ, रोता तो नहीं हूँ खैर। चलो भैया, तुम्हें पता है मैं आजकल डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ और तुम भी आओगे। आर्टिस्ट मुझे मेरे क्लास के बच्चे मिले, ये तो मेरी क्लासमेट थी, मेरी जूनियर थी, अब ये थोड़ा गोलू पोलू सी हो गई लेकिन ये मेरे व्लॉग देखती है, मैं सारे व्लॉग्स देखती हूँ और ही सो क्यूट और उनके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। चलो ठीक है गाइस, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। अच्छा मैं आ गया, मेरा घर में मूड बहुत गंदा था पता है। आजकल हमारे कॉलेजेस में एडमिशन हो रहे हैं फर्स्ट सेम के, लाइक जो भी बायो वाला है, कॉमर्स वाला है, कॉमर्स वाला तो शायद चौराज डिपार्टमेंट, शायद नहीं वहीं होता है चौराज डिपार्टमेंट में ना, यहाँ पे बीए वगैरह का चल रहा है, तो कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप डब्बू भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग आज से चल रही है, काउंसलिंग तो आजकल चल ही रही है, तो कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप प्लीज़ दीपक चौधरी को कॉन्टेक्ट करें। अभी मैं अपने भाई का ना पोस्टर देख रहा था, आप देख रहे हैं, और आपको पता है किसी ने ना इसके बीच में पत्थर मारा है, मतलब मुझे ये चीज़ देख के इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, मतलब ऐसे क्यों करता है यार कोई, मतलब मुझे भूख लग गया, मेरे पास एक ही अमरूद है जो मैं खा रहा हूँ। आर्टियंस अच्छा हो मैं कॉलेज आ गया, हम काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि नए एडमिशन, जब मैं पहली बार भी आया था ना हमें ना इतना पता नहीं था, ये सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरा एडमिशन ना मेरे भाई ने ही करवाया था, मतलब मुझे इतना कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में, और अभी हम वही चीज़ कर रहे हैं। मेरे फ़ोन में बैटरी कम है और मुझे घर जाके अपना फ़ोन चार्ज करना है और फिर एडिटिंग भी करनी है, तो मैं आपको सीधे घर जाके मिलता हूँ। ओके दादाजी, आजकल आर्टियंस रोड़े बंद हो रखी ना तो दूध भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये वाले टेटा पैक्स होते हैं ना ये ले लिए क्योंकि मम्मी को चाय पीना बहुत पसंद है यार। चलो आर्टियंस मुझे 3 बज गए हैं, मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, मैं सीधे आपको घर पर मिलता हूँ, यहीं पर मेरा घर। मैं आज ना पैदल ही आया, मतलब फटाफट से ना, तब आज कितना प्यारा मौसम हो रखा है यार, को वाइस सो सुंदर। आ घर पहुंचते ही मम्मी आज कर रही है सिलाई, ये बाबा मम्मी थोड़ी मोटी हो गई है ना तो अपने फिटिंग के कपड़े सिल रही है। चलो आर्टियंस अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, आर्टियंस मैं फटाफट अपना फ़ोन चार्ज पे लगा रहा हूँ, उसके बाद एडिटिंग करूँगा, उसके बाद जो भी होगा आई विल डू माई बेस्ट। आर्टियंस मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में यार, शाम को ही मिलता हूँ सीधे। अब यार आर्टियंस शाम होते होते ना मुझे पता नहीं इडली खाने का मन कर रहा है, मैंने मम्मी को फटाफट तैयार करवाया और मैंने कहा इडली खाने चलते हैं, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, लिटरली 7 बज रहे हैं, पर मेरा मन हो रहा है चलो चलते हैं मार्केट को। ना ये नहीं पता अभी 7 बजे कोई यहाँ पे इडली मैंने कभी खाई नहीं है, तब मिलेगी या नहीं मिलेगी श्रीनगर में पता नहीं। लेक्सी आर्टियंस मैंने मम्मी को तैयार किया ना, मम्मी बिल्कुल सैड सी हो रही है, तू मुझे इतनी रात को कहाँ ले जा रही है। अब आर्टियंस मेरे पास मेरी मम्मी तो मेरी दोस्त है ना, मैं और किसको ले जाऊँ अपने साथ, मेरी मम्मी भी मेरे को ऐसे कर रही है, ठीक है मैं नहीं जा रहा कहीं, माँ मैं नहीं आ रहा कैंसिल जाना, रहने मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। अभी भी मैं क्रॉक्स ही पहनने वाला हूँ और क्या। चलो चलो आर्टियंस अभी मैं देखते हैं मार्केट में मुझे इडली मिल पाती है नहीं मिलती, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या फिर से बोल दो, मेरे को ना इडली की कोई भी दुकान नहीं, ये अरे 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 क्यों मार रहे हो आर्टियंस, मुझे नहीं पता मुझे इडली की शॉप मिलेगी ना मिलेगी। यार आर्टियंस मुझे यहाँ पूरे श्रीनगर में इडली नहीं मिल रही है यार, और जो मेरा मन हो रहा था उसका क्या। हाय हाय हाय, सो आर्टियंस पूरी
गली रोडों में मेरे को इडली पुडली तो कुछ नहीं मिली, मम्मी ने मेरे से जो कि सब्जी दिलवाई थी। मम्मी बस अब एक दुकान में जाना है, इडली होगी तो खाऊंगा, नहीं तो रहने दे। हाफ डन जो मैं खाना चाहता रहा हूँ वो मिला नहीं, मैं गोलगप्पे खा लिए, अब पानी ले रहा हूँ। मुझे ना और खाने के मन कर रहा है। हाफ डन मैंने 10 गोलगप्पे खा लिए, मैंने पूरे 10 गोलगप्पे खाए। भाई साहब चलो हाफ डन सब चीज़ें घर पे मिलता हूँ, भाई मेरा पेट दर्द हो रहा है अब। मेरा पुन्नू आया, मैंने इसको मिट्टू खिलाया, मिट्टू ये बच्चा तो शुआर है ये। चलो अर्जन मैं घर पहुंच गया, शायद मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि मुझे अभी एडिट भी करना है क्योंकि कल 15 अगस्त है और उसके लिए मुझे तैयारी भी करनी है, अच्छे से सेलिब्रेट भी करना अपना 15 अगस्त। ओके अर्जन, डू व्हाट यू लव, इफ यू आर लाइकिंग माय व्लॉग डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड यस हमेशा ये याद रखना, खुद को प्यार करो यार चाहे कुछ भी हो, लव योर सेल्फ, लव यू ऑल एंड यस अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी प्यार के साथ। बूम बूम।